दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। भारत का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित करने वाले व्यक्ति का नाम सिहाब भाई है और ये मुसलमान कौम से हैं और यह एक ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं जो केरला से मक्का हज के लिए पैदल निकल पड़े हैं। टोटल जो दूरी है वो 8640 किलोमीटर की दूरी है। सुन के भी हम लोगों के होश उड़ जाते हैं और इस साहस को दाद देनी पड़ेगी कि कितना जबरदस्त इन्होंने साहस किया है कि 8640 किलोमीटर की दूरी ये पहुंच रहे हैं पैदल और वहां जाके हज करेंगे। दोस्तों तमाम लोगों ने इनका मजाक भी बनाया कि समुद्र के रास्ते कैसे जाओगे, तो मैं कहूंगा उन लोगों को अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए क्योंकि भारत से जो है मक्का और खाने काबा तक जाने का भूमि का भी रास्ता है। उसके लिए भारत से पाकिस्तान जाना पड़ेगा, पाकिस्तान से ईरान जाना पड़ेगा, ईरान से इराक जाना पड़ेगा, इराक से कुवैत जाना पड़ेगा, कुवैत से सऊदी अरबिया जाना पड़ेगा और सऊदी अरबिया में मक्का खाने काबा में जाके कोई व्यक्ति पैदल भी जाके हज कर सकता है। इनका यात्रा का यही जो है जर्नी का रूट है। यह केरला से निकले हैं, गुजरात होते हुए राजस्थान होते हुए पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान से फिर ईरान, थोड़ा सा इराक टच करते हुए कुवैत और सऊदी अरबिया होते हुए मक्का खाने काबा पहुंचेंगे। दोस्तों इतनी बड़ी हिम्मत का कार्य और इनके पीछे का त्याग देखिए। इनकी भी परिवार है, अपने परिवार को छोड़ के एक वर्ष के लिए ये लगभग पैदल यात्रा पे निकल चुके हैं, तो परिवार से अलग रहेंगे। दूसरे नंबर बात, रास्ते में चल रहे हैं तो बारिश हो रही है तो बारिश में रेनकोट पहन के चल रहे हैं, कहीं धूप हो रही है उसमें भी चल रहे हैं, कहीं ठंडी होगी उसमें भी चलेंगे। सोचिए अपने शरीर को, इसी को हिंदू धर्म में तपस्या कहते हैं, यह किस तरह से अपने शरीर को तपा रहे हैं और एक तरह से तपस्या कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, अल्लाह के प्रति। और शायद अल्लाह का यह समर्पण, अल्लाह के प्रति यह प्रेम ही इनके दिल में इतना साहस दिया है कि यह पैदल वहां तक जाने की जुर्रत कर रहे हैं। लेकिन मजाक करने वाले लोग कहां नहीं होते, हिम्मत तोड़ने वाले लोग कहां नहीं होते। दोस्तों तमाम लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये जो है पैदल जाना सही नहीं है, ये हवाई जहाज से चले जाते, ये जो है समुद्र के रास्ते से चले जाते, किसी साधन से चले जाते, पैदल जाना अपने जान को जोखिम में लेना है। तो जो भी व्यक्ति यह बात कह रहा है, पहले मैं उससे कह दूं, याद रखो कन्फ्यूशियस ने कहा था कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। और रोज अपने जीवन में एक पत्थर को साइड करते जाओगे तो एक जीवन काल में पहाड़ को तुम साइड कर दिए रहोगे। दशरथ मांझी जो पूरा पहाड़ तोड़ा, वो पहाड़ एक दिन में नहीं तोड़ा। साहब भाई भी यह यात्रा एक नाइट में नहीं कवर कर ले रहे हैं कि इनका कुछ हेल्थ इशू आएगा। साहब भाई ऑलरेडी प्लान करके, सोच समझ के, रोज उनको 25 किलोमीटर चलना है कि 30 किलोमीटर चलना है, जो मनुष्य का हेल्थ जितना सपोर्ट करता है उतना वह चल रहे हैं और उनको कुछ नहीं होने वाला। क्यों? एक तो जो चल रहे हैं वो शरीर के क्षमता से बहुत ज्यादा नहीं है और दूसरा उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, अल्लाह की कृपा है। और जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ हो, अल्लाह का कृपा हो, उसको अपने मंजिल से कौन रोक सकता है। अब सद्दाम भाई का पहुंचना, ये हम लोगों को लग रहा है बहुत ही खेला बात, लेकिन यह खेल की बात नहीं है। अगर यह बंदा हज के टाइम पे वहां पहुंच जाए और ईश्वर करे कि पहुंच जाए, महादेव करे कि पहुंच जाए, अगर वहां पहुंच जाएंगे तो समझिए इन्होंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरह से दूरी मैनेजमेंट किया, किस तरह से छोटे छोटे कदम लेके बड़े लक्ष्य को हासिल किया। और यह चीज जो है ना, इनसे सीखने की रह जाएगी। वैसे इनके यात्रा में हिंदू और मुसलमान दोनों भारी मात्रा में आ रहे हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। यहां तक कि गुजरात पुलिस, गुजरात में इनका ट्विटर अगर आप देखेंगे तो इनको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से गुजरात पुलिस को इन्होंने धन्यवाद दिया है क्योंकि गुजरात पुलिस इनको बहुत ही मदद किया है, इनके सुरक्षा में लगा रहा है और बहुत ही सम्मान इनको गुजरात में मिला है। अब यह राजस्थान में पहुंचने वाले हैं और राजस्थान से पाकिस्तान जाने वाले हैं। टोटल इनकी यात्रा जो है 56 दिनों की हो चुकी है और अभी तक इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है और भगवान करे कि इनका स्वास्थ्य ऐसा ही बना रहे। और इस मुकाम को यह अगर पार करते हैं तो एक तो इनकी आस्था, इनका समर्पण अल्लाह के प्रति जो है सो है, भारत का भी नाम पूरे विश्व में एक मिसाल बनेगा कि भारत का एक ऐसा बंदा है जो इतने किलोमीटर की हज यात्रा करके और जो है हज करने आया। आप सभी को बता दें दोस्तों, जो लोग कह रहे हैं इतना दूर पैदल चलना, अगर भारत में आप रहते हो या पुराने जमाने में कहीं भी, चाहे मोहम्मद साहब की जिंदगी पढ़ो, चाहे बुद्ध की पढ़ो, चाहे महावीर की पढ़ो,
पैदल चलना जो है तपस्या का एक हिस्सा था। आपको विश्वास नहीं है, आज भी जापान के कुछ बौद्धिस्ट हैं जहां पे माना जाता है कि आप बौद्ध सन्यासी हैं तो पृथ्वी की एक परिक्रमा जितना पैदल चलना पड़ेगा। जी हां, देखिए यहां साइड में पेपर में कटिंग भी मैंने दिया है, ऐसा लिखा हुआ है। और बुद्ध अपने जीवन में, मोहम्मद साहब तो आपको सभी को पता है हिजरत किया उन्होंने मक्का से मदीना और कहां कहां। गौतम बुद्ध भारत के थे, मैं बता दूं वह अपने जीवन में इतनी यात्रा किए कि उनको यात्रा को बिहार कहा जाता था, बिहार कर रहे हैं बुद्ध। और इतनी यात्रा किए कि एक भारत में राज्य का नाम ही बिहार पड़ गया। बिहार का मतलब होता है चलना, पैदल यात्रा करना, बिहार करना। नौका बिहार होता है, नौका पे घूमना, तो घूमना इतना उन्होंने घूमा। सोचिए, वो श्रावस्ती जाते तो पैदल जाते, वह सारनाथ आए तो पैदल आए, वो गया आए तो पैदल आए। और वे हमेशा केवल बारिश में 3 महीने वे पड़ाव डालते थे, नहीं तो थ्रू आउट घूमते रहते थे, बिहार करते रहते थे। तो बौद्ध धर्म में भी पद यात्रा का बड़ा ही महत्व है। जैन धर्म की बात करें तो महावीर कहा जाता है अपने जीवन के 12 साल 6 महीने उन्होंने पैदल चलते रहे, ध्यान साधना करते हुए पैदल चलते रहे 12.5 साल। सोचिए 12.5 साल में। अब मैंने इस बंदे का देखा तो मुझे कहीं ना कहीं याद आया कि भाई बारिश में भी चलेगा, गर्मी में भी चलेगा, इस शरीर को एक तरह से तपस्या ही तो कर रहा है। आप सोचिए, महावीर पैदल चलते थे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 3 दिन पे 1 दिन भोजन मिला है, कभी 13 दिन पे 1 दिन भोजन मिला है, और महावीर जो है काफी पतले हो गए थे अपने तपस्या के दौरान। तो आप समझिए कि भारत में महावीर भी पैदल चले। और हिंदू धर्म, अभी कांवड़ यात्रा जा रहा है ना, हम लोग क्या बाबा विश्वनाथ या यहाँ बाबा धाम जो झारखंड में है वहां पे हम लोग गाड़ी घोड़े से नहीं पहुंच सकते? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन हम लोग देवघर पहुंचने के लिए सुल्तानपुर से हम लोग जल उठाते हैं। और सोचिए, यहाँ पे प्रयागराज से जल उठाते हैं काशी विश्वनाथ जाने के लिए, 120-30 किलोमीटर की दूरी पैदल क्यों जाते हैं? सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे दिल में भगवान शंकर और महादेव के लिए जो समर्पण है, उस समर्पण को दिखाने के लिए, अपने भक्ति को दिखाने के लिए, और अपने दिल से लोग पैदल जाते हैं। तो कांवड़ यात्रा में भी पैदल का बहुत ही महत्व है। और बता दूं दोस्तों, हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े सन्यासी जिनका नाम स्वामी नारायण है, अक्षरधाम दिल्ली टेम्पल में जाएंगे तो स्वामी नारायण के बारे में जरूर आप जानते होंगे। उन्होंने कहा जाता है कि लगभग 9 साल 11 महीने पैदल चले थे, 9 साल 11 महीने। सोचिए कितना बड़ा दूरी होता है कि 9 साल 11 महीने दूरी इन्होंने पैदल चला था, और अंत में गुजरात पहुंचे और सारा तीर्थ घूमते हुए गुजरात में इन्होंने वहां पे जो है अस्थाई निवास बनाया, और फिर उनके बारे में आगे कहानी जान। तो दोस्तों, हर एक धर्म में पैदल चलने को एक तपस्या माना जाता है, और इसीलिए जो है जो हज के लिए यह बंदा सिहाब भाई जा रहा है, इसके लिए हर एक हिंदू, हर एक बौद्ध, हर एक जैन और हर एक मुसलमान को दिल से दुआ देनी चाहिए कि इस बंदे का हज कबूल हो, ये हज पे पहुंच जाए, टाइम से हज पे पहुंच जाए, और इनका स्वास्थ्य भी सही रहे, ऐसी हमें कामना करनी चाहिए। और इनकी यात्रा पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल बना है, इनको हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, और इनके यात्रा में भारत का तिरंगा भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इनको नेकियां कितनी मिलेगी ऐसा समझिए, सहाबा इकराम ऐसा कहा जाता है कि हज के लिए जब कदम बढ़ाते थे तो छोटे छोटे कदम बढ़ाते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जितना कदम आप बढ़ाएंगे हज के लिए उतनी नेकियां मिलेंगी। तो इस भाई को सोचिए, 8,640 किलोमीटर पैदल जा रहा है, इनकी नेकियों की जरा आप कल्पना करिए। और हम लोग कांवड़ जब ये होता है तो हम लोग भी तो कांवड़ियों का पैर धोते हैं गर्म पानी से, सेवा करते हैं, उस सेवा करने से क्या होता है, नेकियां हमें भी मिलती हैं। तो हिंदू धर्म में भी ये मान्यता है, साथ साथ इस्लाम में भी ये मान्यता है। तो ये जा रहे हैं दोस्तों, जहां भी आपको ये मिले इनकी मदद करें, इनका समर्थन करें, और इनकी जो है हौसला अफजाई करें, क्योंकि ऐसा पुरुष एक युग पुरुष, युग में एक पुरुष पैदा होते हैं। दोस्तों थोड़ा आप लोग ही सोचिए कि इतनी दूरी, अब तमाम लोग कह रहे हैं कि पैदल जाने के लिए मैं भी इनके साथ जाऊंगा, मैंने कमेंट देगा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। तो भाई आप इनके साथ जाएंगे, आपको पता है इन्होंने वीजा लेने के लिए भी संघर्ष किया है,
पांच पांच कंट्री से इन्होंने वीजा लिया है। आप वीजा लेंगे तब तो इनके साथ जाएंगे। दूसरा, हज के लिए जो है जीवन में एक बार जाना अनिवार्य है और उसी को अनिवार्य है जो सक्षम हो। तो आप अगर सक्षम हो तो बिल्कुल जाएं, वीजा बनवाएं, लेकिन आप अगले साल जा सकते हैं। इनके साथ ज्वाइनिंग करना बड़ा मुश्किल होगा। इसके साथ साथ जितने भी हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, इन सबको मैं कहता हूं कि धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप गलत नहीं होता। आजकल नमाज को लेके जैसे टारगेट किया जा रहा है, मैं कहता हूं, उमर हजरत उमर के समय का एक वाकया है कि हजरत उमर के दरबार में एक बूढ़ी औरत आई और बोली, मैं तेल लेके जा रही थी और मेरा तेल जमीन में गिर गया और मुझे वही तेल चाहिए। और वो रो रही है, बोल रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, वही तेल चाहिए। अब सोचिए जो तेल जमीन में गिर गया है उसको कैसे दिया जाए। तो हजरत उमर ने एक चिट्ठा लिखा और कहा कि लेके जाओ और उसको वहीं पे रख दो जहां तुम्हारा तेल गिरा है। उसको वहीं पे रख दी वो बूढ़ी औरत जहां पे तेल गिरा हुआ था। और कहा जाता है थोड़े देर में तेल ऊपर आ गया और बूढ़ी औरत को तेल अपना मिल गया। तो उस चिट्ठे में क्या लिखा था पता है? उस चिट्ठे में लिखा था कि इस जमीन के अंदर मैं एक ऐसे आदमी को गाड़ दूंगा जो नमाज नहीं पढ़ता। मतलब समझिए, नमाज पढ़ने से व्यक्ति जो है रहमत वाला, रहम दिल वाला, बढ़िया अच्छा व्यक्ति होता है। तो हर एक प्रोसेस हम लोग ध्यान करते हैं, वो भी दिल में रहम देता है। तो हर एक प्रोसेस जो है रहम के लिए है, करुणा के लिए है, प्रेम के लिए है। धर्म कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है? हम हिंदू हैं, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, अगर भूखे को रोटी कोई खिला रहा है तो मतलब सेवा से होनी चाहिए, मतलब प्रेम से होनी चाहिए। और सारा का सारा धर्म जो है यही सिखाता है। तो एक दूसरे के धर्मों को मजाक उड़ाने के बजाय हम लोग सम्मान दिखाएं। और जो जा रहे हैं भाई केरला से मक्का तक, मैं देख रहा हूं इनको हिंदू मुस्लिम, यहां तक कि गुजरात पुलिस का भी समर्थन मिला जिस तरह से ये धन्यवाद दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हिंदू मुस्लिम एकता का जो संदेश एक मुस्लिम भाई जिसका नाम सिहाब है उसके वजह से फैल रहा है। इसके लिए मैं सिहाब भाई को भी धन्यवाद देता हूं और मैं ईश्वर से कामना करता हूं, महादेव से कामना करता हूं कि आपकी हज यात्रा जो है समय से आप पहुंचे और आप अपना हज यात्रा कंप्लीट करें। धन्यवाद दोस्तों।